कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदयभान के बयान पर सियासी घमासान मच गया है। अब उदयभान के बयान पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि उदयभान को अपने शब्दों को फिर से सुनकर शर्मिंदगी होनी चाहिए थी। कांग्रेस का नेतृत्व उदयभान के बयान पर माफी मांगे। उन्होंने ये भी कहा कि उदयभान अपने अरब मर्यादित भाषा पर अड़े हुए। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदयभान के एक बयान को लेकर सियासी घमासान मचा है प्रदेश में, और इसे लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने तमाम बातें कही। उन्होंने कहा कि कम से कम दोबारा अपने शब्द सुनकर उदयभान को शर्मिंदगी होनी चाहिए। मैं एक कांग्रेस अध्यक्ष उदयभान जी का बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बयान आया है। उन्होंने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी है। वो मर्यादाहीन तो है ही, बिल्कुल अशालीन है। देश के सर्वोच्च नेता को ऐसे हल्के शब्दों के साथ उच्चारित करना, प्रदेश के मुख्यमंत्री को इस प्रकार के शब्दों के साथ उच्चारित करना, मैं कहूँगा कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और उससे बहुत बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि वो, अभी मैं उनका बयान देख रहा था, तो वो अपने बयान पर उसको जस्टिफाई करने अड़े हुए हैं। ऐसी है मर्यादित भाषा पर। मुझे लगता है कि ये कांग्रेस का अब ये भाषा ऐसी हो गई है कि शायद कांग्रेस में बड़ी भारी बौखलाहट। पिछले दिनों हमने रणदीप सिंह सुरजेवाला को देखा और उन्होंने कहा मैं शाप देता हूं जनता को। भाई आपको ये ऋषि मुनि है, और जनता को शाप तो कभी ऋषि मुनियों ने भी नहीं दिया।